आजमगढ़ लालगंज बाजार में कुछ दिन पहले विजय की हत्या हो गई, जिसको परिजनों ने लालगंज बाजार में किया धरना प्रदर्शन। एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग। ब्यूरो रिपोर्ट, सादिक उस्मान। विजय की हत्या के बाद आप लोगों के द्वारा करीब 20 दिन तक धैर्य बनाए रखा गया। आपका संत पूर्वक आपने धरना किया। आपकी मुख्य जो मांगे थी कि विजय के हत्यारों की गिरफ्तारी हो, तत्काल उनको सजा दी जाए। इसमें हमने आपको पहले ही बताया कि पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। आपका एक हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि 3 दिन में इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। हमारे साथ सीओ साहब भी हैं, आपके प्रतिनिधि मंडल के रूप में जो व्यक्ति हमारे साथ उपस्थित हैं, इनके माध्यम से जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है, हमने 3 दिन का आपके पास लिए टाइम मांगा है कि 3 दिन में मुजरिम को हम जरूर गिरफ्तार करेंगे और उसको सजा कड़ी ही मिलेगी। ठीक है, हम आपके साथ हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, पुलिस की टीमें हमारी लगी हुई हैं। मेन अपना गिरफ्तारी का मुद्दा था, गिरफ्तारी के लिए हमारी पुलिस की टीम लगी और 3 दिन में आपको हम गिरफ्तार करके देंगे। सीओ साहब कह रहे हैं 3 दिन का हमें और टाइम दे दीजिए। ठीक है, दूसरा आपका जो सुरक्षा की बात है कि और लोग धमकियां देके जा रहे हैं, वहाँ पुलिस की एक पिकेट मौजूद रहती है। आपके पास जो घर के पास बरगद का पेड़ जहाँ हम लोग उस दिन रुके थे, वहाँ पुलिस की टीम रहती है। चौकी इंचार्ज साहब भी हमारे जाते हैं। हमने इंस्पेक्टर साहब से भी कहा कि आप एक बार जाके परिवार, जब भी आप जाएं उनके परिवार के यहाँ चौकी इंचार्ज आप भी चले जाया करें, जाते भी हैं। और आपके परिवार से भी हमारी एक गुजारिश आपसे भी है कि आपके परिवार के जो 3 भाई हैं उसके और वो लोग पुलिस के टच में रहें। जब कोई डरने की आवश्यकता नहीं हो, जब आप चाहें हमारे पास सीओ साहब के पास, आप इंस्पेक्टर साहब के पास जा करके क्या उसमें प्रगति चल रही खुद भी पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि उससे भी एक आपको विश्वास मिलता है कि नहीं पुलिस कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। खुद आप जाके मिल लें। आपकी एक और बात आई कि हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, कोई हमारे ऊपर मुकदमा ना लिखा जाए। तो हम लोग कोई आपके शत्रु के रूप में थोड़े नहीं खड़े हैं। आप अपनी मांगों को लेकर के न्याय के लिए आप बाहर आए हैं, तो हमारा काम है आपकी बात सुनना। हमें कोई आपसे दुश्मनी नहीं कि हमारे ऊपर कोई FIR लिख रहे हैं, कोई मुकदमा लिख रहे हैं। आपने शांतिपूर्वक धरना किया है, हम कोई आपका इस पर FIR और वो दबाव डाल के या दबाव पूर्वक कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आप लोग शांतिपूर्वक अपने घर जाइए और आगे गिरफ्तारी जरूर होगी। आपकी और भी जो मांगे, उसके साथ साथ और भी जो मांगे हैं, ठीक है, पट्टा और इनके लिए हमने ज़मीनें खोज लिया। आपको देखा, आपको पता भी है, 2 जगह ज़मीनें थी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जो बैठक होती है फिर प्रस्ताव का जो टाइम लगता है उसके साथ साथ आपका पट्टा कर देंगे। पट्टे के लिए आप निश्चिंत रहिए, पट्टा हमने कहा, पट्टा आप कर भी रहे हैं। ठीक है, बाकी और आर्थिक मदद उस दिन आपसे बात हुई थी उसके संबंध में आपसे गुजारिश है, अपना जो आपसे लेखपाल के माध्यम हम आप खुद ला करके या हम खुद ही हमें ला करके आपका जो अकाउंट आधार कार्ड ये सब हमें दे दें ताकि उसमें आगे भी कार्रवाई कर सकें। ठीक है, आप विश्वास रखें, हम और यहाँ प्रशासन और पुलिस आपके बीच मौजूद है और आप लोग का लगातार हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ हैं, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।